ये है वो जगह जो मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में कहा था मेरा प्लान चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ का प्लान था मेरा और मैंने बारिश की वजह से प्लान चेंज किया था। ख्वाबों से बेदार हुआ तो देखा घड़ी 7 बजा रही थी। थोड़ा सा फ्रेश हुआ, थोड़ा सा नाश्ता किया, इसी हाल में देखा बज गई 8:20। ब्रो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैंने यहाँ से अपनी प्राउडो निकालनी है और फिर सफ़र शुरू करना है। ब्रो टिकट ले गए, सिर्फ जेब में नहीं डाली, टिकट को इस मशीन में पंच भी करना है, नहीं तो जुर्माना भी हो सकता है। फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, ले लो, लेकिन मोस्टली यूरोप में हर किसी को पता होता है। मैं पहुँच गया हूँ पर्दो नोने से मैं नेक्स्ट बस की यहाँ से टिकट लूँगा, नेक्स्ट स्टेशन पे जाऊँगा। इंतज़ार मशूक का हो या किसी चीज़ का, इंतज़ार इंतज़ार होता है, इंतज़ार मुश्किल होता है। मशूक तो है नहीं है, बस का, गाड़ी का, किसी बंदे का इंतज़ार कर सकते हैं, ऐसे मशूक भी बंदी होती है। ब्रो मेरे साथ बहुत बुरी हुई भाई, पागलपंती करोगे बुराई आनी है, बुराई ने कहीं ना कहीं से सर निकालना है। मिसाल देता हूँ, अगर आप रावलपिंडी से लाहौर जाते हो, आप डायरेक्ट बस पकड़ते हो, आप लाहौर चले जाते हो, मेरे जैसा पागल पहले फैसलाबाद जाएगा, फैसलाबाद से फिर लाहौर आएगा, तो बुराई ने कहीं ना कहीं से आना है। मैं यहाँ से गया हूँ पहले पर्दो नोने से मैं गया हूँ मानियागो से गया हूँ फिर बारचिस। मैंने पूरा शहर ऐसे घूम लिया, पूरी दुनिया ऐसे घूम ली है, लेकिन मुझे क्या पता था बुराई ने भी आना है। मैं अपने टाइम के हिसाब से मानियागो पहुँच गया था, लेकिन मुझे क्या पता था ऐसा होना है मेरे साथ। अब नेक्स्ट स्टॉप वाली बस आएगी 1:40 पे, अभी बज गए हैं 12, अब 1:40 मुझे यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। 2:15 वहाँ पे पहुँचेगी बस, फिर वहाँ से मैं घूमूं फिरूंगा, फिर वापस कस्टम आऊँगा। क्या क्या कुछ होता है यार इस सफ़र में। बस तो मुझे मिल गई है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिली है, वो मैं आपको वहाँ पर पहुँच के बताऊँगा। मैं बारचिस आया हुआ हूँ। हाँ जी, बारचिस गया था लड़का 40 मिनट के लिए। ये थी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मुझे बस ड्राइवर से सुनने को मिली थी। बस ड्राइवर ने कहा था भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट है, आप 40 मिनट में घूम सकते हैं, क्योंकि वापसी की बस जो आती है वो 3:05 पे आती है और मैं 2:15 पे वहाँ पे पहुँचा था। 40 मिनट में मैंने ये सारा कवर करना था, मैंने घूमना था फिरना था। अब बात करते हैं बारचिस शहर की। बारचिस एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, छोटा सा प्रोविंस ऑफ पर्दो नोने का। लेकिन आप पर्दनोने से जब जाओ तो बस जाएगी, ट्रेन नहीं जाएगी। उदीने से भी ट्रेन नहीं जाएगी, बस जाएगी, और बस आपको पकड़नी पड़ेगी उदीने से पर्दनोने से मानियागो की, मानियागो से फिर बारचिस। अगर आपके पास अपनी कन्वेंस है तो आप रात को 1 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, आपकी मर्जी, लेकिन ये हुआ। कमाल जगह है यार, इतना मज़े का पानी है, क्यों मिस कर रहे हो? आ जाओ अपनी ज़िंदगी में से 5 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन निकाल के यहाँ पे एंजॉय कर लो। लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ, ना यहाँ पे मैं नहा सकता हूँ ना एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन मेरा पहला बैड एक्सपीरियंस आज इस हसीन जगह पर, मुझे बहुत कम वक्त मिला है एक्सप्लोर करने के। मेरी आंखों से देख के यकीन करें, कमाल की जगह है, कमाल कर दें आप लोग भी यहाँ पे आके घूम फिर के। अब आप पे छोड़ देता हूँ। अब तकरीबन मेरा टाइम अबाउट टू एंड, मैं बस पकड़ूँगा, घर जाऊँगा, अभी बहुत सारा सफ़र बाकी है। लेकिन मुझे अफसोस है मैंने कम वक्त में यहाँ पे आया हूँ, एक्सपीरियंस इंसान सीखता है। मैं कोशिश करता हूँ ये वीडियो यहाँ पे एंड कर दूँ, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कभी। अल्लाह हाफिज़।
भाग दौड़ के सिर्फ 10 मिनट रह गए मेरे पास, लेकिन कॉफ़ी तो मैंने ज़रूर चेक करनी है। मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है, अभी कॉफ़ी पीता हूँ, 10 मिनट में बस आएगी, फिर बस पकड़ के मैं घर चला जाऊँगा वापस, यहाँ का सफ़र एंड हो जाएगा। लेकिन कॉफ़ी तो पीनी है, पसीने आ रहे हैं, देखो 5 मिनट में मेरी बस आनी है, 5 मिनट में मैंने कॉफ़ी भी ख़त्म करनी है। काफ़ी बहुत मज़े की यहाँ की।